मिया लतीफ ये मानने पर मजबूर हो गया कि इमरान खान को वाकई बल्कि आए आप खुद वीडियो देखें फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं वापसी पर जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया मुझे ये बताएं दुनिया भर में किसी को इस तरह सजा दी गई है कि आप बेटे से तनख्वाह जो आपने ली उसको जाहिर नहीं किया फर्जी एक कहानी बना के कभी किसी को सजा दी है फिर इस तरह करें। नहीं। नहीं सब नहीं सब इस तरह ठीक है मुझे बात सजा कहते हैं उनको सजा हुई एवनफील्ड में सजा हुई अल अजीजिया में बेटे की तनख्वाह जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नाअहल हुए थे सजा पहले यार मेरी बात तो सुन लेना मुझे जब आपने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया तो मेरे लिए सजा वहां से शुरू हो गई ना ठीक है

तो आप देखें कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे किस तरह उनको डील किया गया या किस तरह साइन करवाए गए तो आपको ये याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब गाड़ी में बैठे थे और रजिस्टर जो है कोर्ट का वो गाड़ी में आया था आपको ये याद हो के में के लेकिन दे दे कर... बड़े क्लियरली मिया साहब ये कहा था कि आपको अदालत आना पड़ेगा इसलिए वो हाथे में थे इस वजह से कराया गया तो क्या एक सेकेंड अच्छा फिर ये बताएं कि जो नवाज शरीफ को दो केसेस में सजा दी गई और दलवाई गई क्या उस वक्त किसी ने कहा कि ये नवाज शरीफ को बेगुनाह होते हुए सजाएं दी जा रही हैं, जबकि मैं आपसे आपके प्रोग्राम में बात किया करता था तो आप फरमाया करते थे कि भाई वो एक अदालत है अदालत ने फैसला दे दिया आप उसको मानते हैं या नहीं मानते मगर एक अदालती फैसला है। और आप, भी भी अब आप मुझे यह बताए एक सेकंड अब अदालत ने ही एक फैसला दे दिया कि वो कसूरवार तो नहीं थे वो बेगुना है तो आज भी आपको उसी स्प्रिट से वो भी फैसला मानना चाहिए मान आप तो जब कहते हैं आप सेकेंड उकेंड उठ जाए सवाल यह है कि आपकी सजाएं खत्म कर दी प्रोटोकॉल दिए गए जो अदालत के अपने तरीके हैं कि आपको आना पड़ेगा अदालत अगर आपको जमानत चाहिए वो भी आपको लंदन से पता था कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है तो मसला लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छा, तो है कि लेवल कैसे नहीं है वो बात मजीद क्या करना है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए मैं नौ दस मई को छोड़ दें नौ दस मई से पहले के वाकत का जिक्र कर लेते हैं या नौ दस मई के अलावा जो कुछ हुआ है उस पर जिक्र पहले ये तो बता दें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मजीद क्या करना है सरकार के लिए को यार ये ये सक्ट सक्ट यार, और को रेड कार्पोल दिखाई एक एक के साथ एक जहाज और एक सीट भी देने पड़ेंगे क्या करना है मैं, उसके लिए? मेरी मेरी बात सुन लें क्या 2011 से जो लोगों की जेन साजी हो रही थी की जा रही थी अदारों में बैठे लोग कर रहे थे और आप ये बताएं कि मुझे आप बरी भी कर रहे हैं मुझे आप तायात नाहली से भी फारग कर रहे हैं मुझे आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे रहे हैं मगर जो नौ दस साल आपने बच्चों की जेन साजी की अदारों में बैठे लोगों ने क्या वो कहना पसंद नहीं फरमाएंगे क्या ये भी मासूम थे क्या वो ये बताना पसंद नहीं फरमाएंगे क्योंकि हमारी जरूरत थी इनको निकालना इंतकाम लेना था इनसे और किसी को लाना था वो जरूरत थी हमारी हम उसको लेकर आए करना क्या? क्या इन इन बच्चों बच्चों का इन हाँ... बच्चों को नई किताबों में सिलेबस में मियां साहब की मानता पढ़ा करना पड़ेगा आपका है सर करना क्या मियाँ साहब ये बताए एक मजीद क्या करना बात करने लगू आप कर मैं आपको मैं सवाल छोड़ता हूँ आपके पास आप जवाब दे दे मैं ये कहता हूं कि क्या कि चंद दिन पहले जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान गए और क्या इमरान खान साहब ने दोबारा उनको धमकाया नहीं धमकाया क्या नहीं ये कहा सेकंड सेकंड यार एक तो पूछ रहा हूं धमकाया तो क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं उनको उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करवानी चाहिए सर ये तो मियां साहब गुजरावा की तक में ये कहते हैं गुजरावाला की तक में जो कहा था इत होगा बाद में भी कहते रहे होगा

आज भी अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी इदारे में बैठा शख्स आइन कानून से मावरा रूल आप करेगा, अगर इदारे तो के लोगों की बात करें तो आप ना कहते हैं हाँ में बैठे लोगों की बात करें आप कहते हैं ये ये धमकी है मुझे ये समझा देना कि आपने तो इसी इलेक्शन कमीशन मैं इलेक्शन के बारे में आप क्या कहते रहे मैं सुनाऊं आपको अच्छा मेरी बात सुन लेना आप आप इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्होंने आइन कानून से हटके कौन सा ऐसा रोल अदा किया है कि इमरान खान को धमकी देना सर पंजाब और केपी के के इलेक्शन तो होने चाहिए थे दिन अंदर नहीं कराए गए उन्होंने आरजेपी बड़ा रोल अदा किया था लिहाजा ने नाम लिए थे सर नौ ये जो पंजाब और केपी इलेक्शन होने थे नब्बे दिन के अंदर आइन के मुताबिक होने थे जो नहीं कराए इसकी जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी लेकिन ये बाद की बातें ये आपने ऐसी चीजें खोल दी हैं जिसको बंद करते करते आपको लग जाएंगी मसला ये है कि आप ये कह रहे भुट्टो का आप पढ़ रहे हैं तो है, तो है। और उसको देख रहे हैं मुझे ये बताएं कि इस केस का जो भी फैसला है भुट्टो वापस आएगा नहीं आएगा मगर क्यों ये केस सुना जा रहा है क्यों इसका हम फैसला चाहते हैं या पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है इसलिए कि इसके पीछे जो लोग थे वो बेनकाब मैं ये कहता हूं कि आपने उसको सादक और अमीन डिक्लेयर किया किसको किया जो आज जेल में है जिसके मुतलक आज कहा जाता है ये प्ले बॉय जिसके मुतल आज कहा जाता है एक सौ नब्बे मिलियन खा गया जिसके साहब या तो कहें हमें जलसा करने दो या को हमारे लीडर को बाहर निकलने दो या कहे हमें गाड़ियां दो जहाज दो मतलब नहीं हर हर हल्के में बैलेट पेपर में दे दो क्या करना चाहिए आपके प्रोग्राम में इसका हल दे देता हूं मैं आपके आपसे हल चाहता हूं मैं ये कहता हूं कि दो चीजें आप मुझे बता दें अगर तो 9-10 मई का वाक्या करना कोई जुर्म नहीं है तो उसको अभी फाटक खोलें उसका और इमरान तो खान, को, खान, खान कर... को फांसी लगाना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं मतलब नौ दस मई का वाक्य करे अच्छा अगर तो मैंने नौ दस मई का वाक्य मैंने करवाया है तो मुझे फांसी लगा दो भाई

अब काशफ काशफ बड़ी अच्छी बात की है मैंने आज सुबह ये बात की है कि नगरान नगरान वजीर आजम जो हैं उनके पास अदारे उनके पास एजेंसियां सात माह वाके को हो गए हैं और अगर किसी को आज तक यह पता नहीं चला कि ये वाके की बंदी करने वाला कौन था तो फिर मैं मातम कर सकता हूं फिर मैं और कुछ नहीं कह सकता वजीर आजम को भी पता नहीं है कि वो मुजरम है या नहीं है यही तो मेरा रोना है मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि मैं अपने अदारों से यह बात पूछने में हकब हूं रियासत पर हमला करने वालों को सातवा हो गए आप कटहरे में क्यों नहीं ला सके आपने सजा क्यों नहीं उनको दलवा सके और अगर वो बेगुना है ये वाक्य हुआ ही नहीं है नौ दस मई को आपका कानून आईन इजाजत देता है मुझे बताए

अमेरिका ने साजिश की और उसी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गई हालांकि सब जानते हैं कि यह सरासर झूठ बोल रहा है नाज़रीन आपने देखा कि पूरे शो में काशिफ अब्बासी मियाँ जवेल लतीफ़ से यही पूछता रहा कि अब तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है अब तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है तो मियाँ जवेल लतीफ़ ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं जब बार बार काशिफ अब्बासी ने एक ही सवाल पूछा कि अब आपको कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए अब आप क्या चाहते हैं तो इसके बावजूद भी मियाँ जवेद लतीफ़ यही कहते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी मैसर नहीं है तो काशिफ अब्बासी ने तंग आकर कहा कि क्या आप इमरान ख़ान को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान को फांसी लगा दिया जाए तब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मयसर होगी इस बात पर मियाँ जुबेद लतीफ़ बिल्कुल खामोश हो गए नाजरीन हकीकत यह है कि नून लीग वाले इमरान खान के सामने इलेक्शन के मैदान में उतरने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये किसी भी सूरत पी टी आई का मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान इनको ज़बरदस्त किस्म का फेंटा लगाने वाला है नाजरीन आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़